ये देखो दोस्तों, अभी ये मैं पिस्टन के ऊपर ना ऑयल लगाऊंगा, तो मैंने ये लेटेस्ट मॉडल का एक बनाया हूँ, बुतली इसको बोलते हैं। तो ऐसे आपको बना के लेना है, जिसके अंदर अच्छा वाला ऑयल रखना है, जो निकाला हुआ अच्छा कंडीशन में ऑयल रहेगा उसको इसके अंदर फिर डाल देना है। और डालने के बाद मतलब आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता रहे कहाँ पर ऑयल कैसे मतलब रखना है सेप में ऑयल। तो मैंने एक ऐसा बनाया हूँ, एक केबल का रहता है सेटिंग बोर्ड, और इसके अंदर फिट कर दिया हूँ। तो अभी इसके ऊपर ये ऐसे ऑयल लगा के लेना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश, आज एक्सीलेटर ये आउटर बदली करेंगे। तो ये एक्सीलेटर बहुत जाम है, तो अभी जा रहे हैं इसको खोलने के लिए। एक्सीलेटर आउटर कैसे बदली करते हैं, मतलब केबल, तो केबल चेंज करेंगे इसका। तो केबल चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो तीन स्क्रूप है ना, ये स्क्रूप खोल के लेना है। तो ये स्क्रूप खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये स्क्रूप मैंने तीनों खोल दिया है, और ये ऊपर का कवर निकाल देना है। और ये जो पिन दिख रहा है एक्सीलेटर का, लीवर पिन, इसको निकालना है। उसके बाद लीवर को निकाल देना है, और एक्सीलेटर का ये जो रॉड है इसको बाहर थोड़ा निकालना है। और उसके बाद यहाँ पे देखो वाइसर एक है, फिर लीवर भी है, लीवर को भी निकाल के लेना है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसमें से वायर फंसा हुआ है। ये देखो इसके अंदर ये फंसा हुआ था, जो इसको गुंडी बोलते हैं वायर का, इसके अंदर लॉक होता है, ठीक है। अभी देखो लीवर निकाल दिए, और ये जो मूठ है ना, मूठ ये भी बाहर निकलता है। देखो इस तरह से ये मूठ बाहर निकल जाता है, और इसको अच्छे से ना क्लीन करके लेना है, जिससे एक्सीलेटर देते टाइम में फ्री रहे। तो इसको साइड में रख देता हूँ अभी फिलहाल, और पीछे जाके पिस्टन निकालते हैं, जो एक्सीलेटर का पिस्टन रहता है वो बाहर निकाल के लेते हैं। एक्सीलेटर का यहाँ पे पिस्टन लगता है, तो ये जो नट दिख रहा है ना, इसको खोल के लेना है। शायद वो इस तरह से खोलोगे तो पिस्टन बाहर आ जाएगा, और इसको पूरा ऐसा बाहर निकाल के लेना है ऐसे अच्छे से। और उसके बाद ये जो पिस्टन है, इसका खाँचा यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर। तो इसको वायर को पकड़ना है, और स्प्रिंग से दबा के रखना है। ऐसे दबाएंगे तो ये पिस्टन बाहर निकल जाएगा। ये देखो इस तरह से निकलेगा ये पिस्टन, जैसे स्प्रिंग दबाए, और ये पिस्टन आ गया बाहर, और ये इसका स्प्रिंग, और ये ऊपर का कवर है। और देखो यहाँ पे निकालते टाइम में प्रॉब्लम होता है थोड़ा, क्योंकि ये जाम था। तो मैं इसको निकाल के लेता हूँ, इसको खींच के ऐसे। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको निकाल लिया, और ये बहुत जाम था इसके अंदर। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे तार भी टूट गया है। ये देखो ये तार टूटने की वजह से ना एक्सीलेटर बहुत जाम रहता था, मतलब चलाते टाइम में जाम लगता था। तो इसीलिए एक्सीलेटर ये केबल बदली कर रहे हैं पूरा। तो अभी मैंने इसको अच्छे से निकाल दिया है, और यहाँ पर देखो एक ऊपर कवर लगा रहता है, तो कवर नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूट चुका है कवर। तो अभी फिलहाल ये सब पिस्टन और ये स्प्रिंग साइड में मैं रख देता हूँ, और ये आउटर अभी चेंज करेंगे, जो है केबल एक्सीलेटर। देखो दोस्तों, पीछे से पिस्टन तो निकाल दिया, अभी ये वायर को निकालना है। तो वायर देखो यहाँ पे इसका निप्पल रहता है वायर का, इसमें फंसा हुआ है, इसको निकालना है यहाँ से। यहाँ से निकाल के देखो नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ, निप्पल रहता है, फंसा हुआ रहता है। तो अभी इसको आउटर को ना नीचे ऐसा यहाँ से निकाल के ऐसा लेना है। तो एक्सीलेटर आउटर ये देखो, मैं निकालता हूँ इसको, ये देखो इस तरह से। अभी इसके अंदर ना दूसरा वायर लपेट के, मतलब रख के टेप मारेंगे, और उसके बाद ये आउटर को, मतलब ये केबल को पीछे से खींचेंगे। तो अभी इसको लपेट के लेता हूँ इसके अंदर आउटर टेप से। ये देखो दोस्तों, नया केबल है एक्सीलेटर इस तरह से। तो टेप मार लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से टेप से लपेट दिया है दोनों भी केबल को। अभी मैं पीछे से जो केबल पीछे साइड में है, ये वाला एक्सीलेटर केबल, उसको खींचूंगा, और यहाँ से ना मैं इसको ढकेलूंगा अंदर की तरफ। ये जो नया वाला आउटर है, अंदर पूरा अच्छे से फिट हो जाएगा, तो इसको टेप को निकाल दूंगा मैं बाहर, ठीक है। तो अभी मैं इसको अंदर ढकेलता हूँ इसको आउटर को, और पीछे से एक जन को बोलता हूँ खींचने के लिए आउटर को, खींचो जरा आउटर। ये देखो खींच रहे, अभी ये जा रहा है अंदर की तरफ।
दिख रहा है, देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, आउटर आउटर चले जा रहा है, और पीछे से कैसे खींचना वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो पीछे से आउटर जूना वाला, इसको ऐसा खींचना है, ऐसे खींच के निकालना है उसको। ये देखो, देखे किस तरह से आ रहा है आउटर, देखे अभी आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, ये जो नया वाला आउटर है, जब आप ढकेलते हो तो जो जूना वाला और नया वाला आउटर है जो अपन ज्वाइंट किए हैं वो यहाँ पे आके फंस जाता है, तो यहाँ पे आपको मतलब देखना है फंस रहा है कि नहीं। ये देखो ये जो स्लू है, केबल का स्लू है ना, ये स्लू में जाके फंस जाता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दोनों ज्वाइंट किया हुआ आउटर है, जो केबल ज्वाइंट किए है वो यहाँ पे आके फंस जाता है। तो इसको थोड़ा सा ना ऐसा पीछे की तरफ ढकेल के ऐसा ये स्लू को, ये जो केबल का स्लू है बड़ा वाला, तो इसको ढकेल के फिर ये आउटर को आपको अंदर की तरफ ढकेलना है। तो इस तरह से वो अंदर चला जाएगा आउटर, और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अभी मैंने उसको अंदर फिट कर दिया आउटर को, अभी बराबर पास हो जाएगा आउटर। तो आपको ऐसा देखना है, यहाँ पे केबल नहीं फंसना चाहिए, केबल फंसेगा तो जा नहीं पाएगा। उससे क्या होगा, जो तुम्हारा केबल है ना तन के बड़ा भी हो सकता है आप जोर से खींचेंगे, तो कभी भी हल्के हाथ से खींचना है, ज़्यादा जोर से खींचना नहीं है, जिससे आपका आउटर ख़राब ना हो। तो अभी मैं केबल को पूरा ये डाल के लेता हूँ अंदर। खींचो जरा, देखो दोस्तों अभी इसके आगे आउटर जा नहीं रहे अंदर, मतलब ये केबल अंदर नहीं जा रहा है। तो अभी कहाँ पे फंसा हुआ रहेगा वो चेक करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे अभी जाके फंसा है केबल। ये देखो दोस्तों, मैंने राइट साइड में उठा दिया है स्टैंड लगा के, और आपको दिखाता हूँ कहाँ पे फंसा हुआ है। ये देखो आगे की तरफ स्लू था, और उस स्लू से यहाँ पे देखो बाहर की तरफ आ चुका है। तो यहाँ पे देखो टाई लगा हुआ रहता है, ये देखो ये टाई है, तो ये टाई में फंस रहा है, तो ये टाई को आपको काट देना है, क्योंकि कंपनी का अभी इसके अंदर केबल पहले था, तो अभी इसको ना काट के लेना है टाई को, और फिर उसके बाद ये जो केबल है एक्सीलेटर का इसको खींच के लेना है। तो मैं अभी ये टाई को काट देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों अभी मैं इसको कटिंग करता हूँ प्लायर से। देखिए इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर दिया, और ये नहीं रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंपनी देता है यहाँ पे ऐसा जॉइंट करके। तो यहाँ पे देखो इसका बना है, क्लिप भी बना है, इसके अंदर आउटर रह सकता है, तो भी क्योंकि ज़्यादा ऐसा टाई लगा के लॉक करके रखोगे तो आउटर सड़ने लगता है। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ यहाँ पे रस्ट लगा है, तो जो आउटर रहता है वो सड़ने लगता है। तो नहीं रहेगा टाई तो अच्छा रहेगा, जिससे थोड़ा इसको जगह मिलेगा निकलने के लिए। तो अभी ये आउटर को ना केबल को खींच के लेते हैं, ये देखो इस तरह से, और ये जो आउटर है कार्बेटर के पास चले जाएगा। देखो इस तरह से एक बंदा वहाँ से खींच रहे हैं, देखो वो वहाँ पे पकड़े हुए हैं, दिख रहा है आपको, और ये वो देखो जा रहा है अभी आउटर, हाँ दिख रहा है इस तरह से, मतलब आपको आउटर खींच के लेना है पीछे की तरफ। ये देखो दोस्तों पीछे की तरफ आउटर आ चुका है, अभी ये टेप निकाल के लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं वीडियो। ये देखो दोस्तों इसके आउटर के ऊपर से, मतलब केबल के ऊपर से ना टेप निकाल दिया हूँ, और जूना वाला जो केबल है उसको साइड में रख दिया हूँ। तो आपको जूना वाला केबल दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो दोस्तों जूना वाला केबल, और ये अभी नया वाला है, तो नया वाला अच्छे से यहाँ पीछे आ गया है। अभी आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ कैसे फिट करना है। दोस्तों ये जो राइट साइड में उठाया है ना स्टैंड से, इसको नीचे अभी गाड़ी को उतार देना है, उसके बाद आगे आउटर को फिट करके लेना है। ये देखो दोस्तों आगे से एक्सीलेटर केबल, अभी इसको क्या करना है ना, थोड़ा हिच के लेना है, इतना हिचना है ना यहाँ तक आना चाहिए, हैंडल के पास आना चाहिए, और उसके अंदर जो यहाँ पे कट बना है इसके अंदर फिट करना है इसका एक्सीलेटर का ये निप्पल। तो अभी मैं इसको ऐसे ना हिचके लेता हूँ, देखो इस तरह से, देखो ये ऐसे हिचके लेता हूँ, और स्टेयरिंग के बीच में से जो लाइनर पट्टी है वहाँ से यहाँ इसको ऐसे हिचते हिचते यहाँ पे लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे आ चुका है, देखिए आप
दिख रहा है, एक एक चीज बताने चाहता हूँ मैं आपको पता चले। ये देखो, देखो इस तरह से इसको और खींचना है। ये देखो मैं जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये जो निप्पल है ना, ये वाला, ये इसके अंदर ऐसे फिट होना चाहिए, दिख रहा है। अभी मैंने इसको और खींचना है थोड़ा सा। ये देखो थोड़ा और बचा है। अभी देखो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा खींच दिया है। अभी क्या करना है ना, ये देखो इस तरह से इसको निप्पल यहाँ पे देखो फिट कर देना है। और ये जो वायर है दिख रहा है, ये जो वायर है एक्सीलेटर का, अभी यहाँ पे लीवर और इसका जो मूठ है ये फिट करके लेना है। तो मूठ मैंने उसको साफ कर दिया अच्छे से, वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों एक्सीलेटर का मूठ, उसको मैंने अच्छे से पॉलिश पेपर से साफ करके लिया। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा ब्लैक वाला ऑयल जो रहता है, काला वाला जो गाड़ी का निकला हुआ रहता है, वो लगा के लिया है, जिससे मतलब ये फ्री रहे मूठ। तो अभी ये मूठ यहाँ पे डायरेक्ट फिट कर देना है इस तरह से। और ये देखो ये इस तरफ में आ जाता है और एकदम पानी के मापित फ्री हो चुका है। देखो इस तरह से आपको मतलब काम करना है, जिससे ये फ्री रहे और एक्सीलेटर देते टाइम में हाथ को थोड़ा तकलीफ ना हो, थोड़ा भी नहीं। तो अभी ये जो वायर है इसको लगा के लेते हैं यहाँ पे लीवर, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ और इसमें लीवर फिट करता हूँ। तो लीवर फिट करने से पहले ये जो वाइसर है ना, ये इसके अंदर ऐसा फिट कर देना है। फिर वो इस तरह से वाइसर को फिट करना है और अब लीवर फिट करना है। तो ये देखो ये पॉइंट आना चाहिए आर लॉक बैठाने के लिए। ये देखो ये लीवर, तो लीवर को ना ये वाला जो खाँचा है ना, ये देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे टच होना चाहिए, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये जो खाँचा रहता है ना, ये खाँचा यहाँ पे आके ऐसा फिट होता है, देखे। तो इस तरह से वो मतलब फिट हो जाता है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, देखे जूम करके आपको दिखाया। तो इस तरह से इसको फिट कर देना है, क्योंकि छोटा छोटा बात बता रहा हूँ जिससे आप लोग को पता रहे अच्छे से कैसे फिट करना है, क्योंकि बहुत लोग बताते नहीं है और बाद में आगे जाके आपको प्रॉब्लम होता है, फिर बार बार मतलब कमेंट करोगे कैसे बैठता है ये लीवर। तो इसीलिए मैं एक छोटा छोटा बात है ना वो आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी ये क्या करना है, अभी इसको यहाँ पे बैठा है ना, तो ये वाला मुठ को ऐसा दबा देना है जिससे लीवर के बाहर ये मुठ का पाइप निकल जाए। तो मैं इसको अभी एक हाथ से तो वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से इसको पकड़ा हूँ, तो मैं अभी इसको ऐसे थोड़ा सा ढकेल के लेता हूँ इससे पैर से। देखिए इस तरह से मैंने इसको फिट कर दिया है। तो अभी जो है ना इसका जो पिन का, देखो इसको ऐसे ऐसे कर देना है, ये जो पिन है ना इसके अंदर फिट करके लेना है। तो पिन दो जरा, ये पिन को आर लॉक बोलते हैं। तो अभी जो इसका जो खाँचा है ना, ये खाँचे के अंदर इसको फिट करके लेना है और मैचिंग करना है दोनों का, जो पाइप के अंदर है ना। देखो आपको दिखता नहीं रहेगा लेकिन मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो पाइप के अंदर है ना, देखो ये बराबर इसमें मैचिंग करना है तभी वो फिट होएगा। तो मैं इसको मैचिंग कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों मैंने एक मैचिंग कर लिया, अब दूसरा वाला मैचिंग करने जा रहा हूँ। तो ये देखो इस तरह से दूसरा वाला मैंने मैचिंग कर दिया है। अभी ये जो आर लॉक है ना, जय इस तरफ भी लॉक कर सकते हो, इस तरफ भी लॉक कर सकते हो। तो मुझे तो ये इस तरफ अच्छा लगता है, तो मैं इस तरफ इसको लॉक करूँगा। तो मैंने इस तरह से मतलब इस तरफ घुमा के लेफ्ट साइड में घुमा के मैंने लॉक कर दिया। अभी देखो ये पूरा एकदम फ्री हो चुका है और ये अच्छे से लॉक हो चुका है, अभी ये बाहर निकलने वाला नहीं है। तो इस तरह से मतलब ये फिट हो चुका है। अभी क्या करना है, अभी ये जो एक्सीलेटर का जो वायर है इसको फिट करके लेना है ये लीवर में। देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये फिट हो चुका, एकदम इजी फिट हो जाता है। क्योंकि मैं एकदम छोटा छोटा बात आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको पता रहे और इसको किस तरह। देखो अभी ये वायर को ना नीचे ऐसा डाल देना केबल के अंदर,
देखो केबल के अंदर फिट हो गया ना, अभी देखो यहाँ पे अच्छे से ये फिट हो चुका, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा है, आपको मेरा बात कम सुनाई देता रहेगा। तो ये देखो अच्छे से यहाँ पे फिट हो चुका है। अभी पीछे की तरफ पिस्टन फिट करना है, तो मैं ये फिट कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे ना कवर बाद में लगाएंगे, ये तीन स्क्रू वाला। तो अभी आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पे पिस्टन फिट करते वो बताता हूँ कैसे पिस्टन फिट करना है। ये देखो दोस्तों पीछे की तरफ आ चुके हैं अपन। तो अभी ये वायर को ना ऐसे कार्बेटर की तरफ आपको कर देना है। यहाँ पे बहुत सारा धूल है क्योंकि गाड़ी को वॉशिंग नहीं किए। तो अभी ये भाई साहब बहुत हंस रहे जो मैं बोला गाड़ी को वॉशिंग नहीं किए, तो आपको भी मज़ा आता रहेगा सुनने में। तो अभी यहाँ पे ना पिस्टन फिट करके लेते हैं। ये देखो दोस्तों अभी ये पिस्टन फिटिंग करने जा रहे हैं। तो पिस्टन फिटिंग करने से पहले कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पिस्टन है ना, फिटिंग करने से पहले जो गाड़ी का कार्बेटर है, अलग अलग मॉडल का कार्बेटर रहता है, तो मॉडल के हिसाब से इसको फिट करना पड़ता है। तो आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर जो कार्बेटर के अंदर हेडिंग स्क्रू रहता है, किसी किसी का राइट में रहता है, किसी का लेफ्ट में रहता है, तो हर मतलब मॉडल के हिसाब से कार्बेटर भी रहता है। तो ये जो पिस्टन फिटिंग करना है, जिस तरफ हेडिंग स्क्रू रहेगा उस तरफ पिस्टन को फिटिंग करना है, ये वाला खाँचे को। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको खाँचा, ये खाँचा उस तरफ फिटिंग करना है जिस तरफ हेडिंग स्क्रू रहे। तो इसका हेडिंग स्क्रू ना राइट साइड में है, तो ये वाला जो खाँचा है ना, मैं ऐसे इसको जब फिटिंग करने लगूंगा ना, तो ऐसे राइट साइड में करके फिट करूंगा, जिससे ये पिस्टन अंदर चले जाए। और ऐसे देखो इस तरफ ऐसे फिट करूंगा ना, तो पिस्टन देखो अंदर नहीं जा रहा है, दिख रहा है? ये देखो मैं दबा रहा हूँ, पिस्टन अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन इस तरफ मैं ऐसे करूंगा ना, पिस्टन फटाक से अंदर चले जाएगा और मैं निकाल भी नहीं पाऊंगा इसको। तो कभी भी आपको फिट करना है ना, तो जिस साइड हेडलिंग स्क्रू रहेगा तो ये वाला खाँचा फिट करना है। ये हेडलिंग में काम करता है, जैसे स्क्रू टाइट करते हैं तो वैसे पिस्टन ऊपर की तरफ आने लगता है। तो आपको ये बात मेरा समझ में आ चुका रहेगा। और दूसरा वाला ये जो खाँचा है ना, इसके अंदर वायर फिट करना है। तो ये आपको बताना ज़रूरी था जिससे आपको पता चले। तो अभी मैं इसको पिस्टन को फिट करके लेता हूँ। तो ये दो दोस्तों अभी इसको फिट करने जा रहे हैं पिस्टन। तो ये कैप के अंदर से ना ये वायर को ऐसा डालना है, ये देखो इजी एकदम चले जाता है अंदर, और इसको ऐसे फिट कर देना। कभी कभी यहाँ पे ना लॉक भी रहता है, लॉक नहीं रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे लॉक रहता है, पिन को निकालना पड़ता है, तब जाके ये निकलता भी है। तो ये देखो ऐसे मैंने इसको फिट कर दिया, अब यहाँ पे स्प्रिंग फिट करूँगा। ये देखो दोस्तों ये स्प्रिंग को वायर के अंदर ऐसे डाल के देखो इस तरह से इसको वायर को बाहर की तरफ निकाल के लेना है। और एक बार में होने वाला नहीं है, आपको जैसे नए नए हो तो आपको टाइम लगेगा। तो इस तरह से ऐसा इसको खींच के लेना है पूरा स्प्रिंग को, ठीक है? और उसके बाद ये पिस्टन को फिट करना है। तो पिस्टन को ये वाला जो पतला वाला खाँचा दिख रहा है इसके अंदर ऐसे डालना है और डाल के ये स्प्रिंग को छोड़ देना है। तो इस तरह से ये पिस्टन फिट हो जाता है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसमें इसको फिट कर दूंगा। तो अभी ऑयल लगाता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों अभी मैं इसको ऑयल लगा रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इसको अच्छे से मतलब पूरा पिस्टन को लगा के लेना है थोड़ा सा ऑयल। अभी पिस्टन को फिट करना है। देखो दोस्तों अभी इसको पिस्टन को किस तरह से फिट करना है। तो जो एक्सीलेटर वाला खाँचा है देखो यहाँ पे, तो मेरा एक्सीलेटर का जो स्क्रूप है जो ट्यूनिंग वाला वो राइट साइड में, तो मैं इसको राइट साइड में ऐसा घुमा के फिट करूँगा, ठीक है? ये देखो राइट साइड में घुमाया और इसको फिर से और थोड़ा राइट में घुमाना पड़ेगा जिससे उसका खाँचा मैचिंग हो जाए। देखो मैचिंग हो गया, अभी ये जी चले गया अंदर। और उसके बाद ये जो ऊपर का कवर है ना इसका, ये जो नट के मापी थे, इसको टाइट करके लेना है, आराम से टाइट करना है, ज़बरदस्ती नहीं टाइट करना है जिससे इसका थ्रेडिंग ना ख़राब हो। तो देखो मैं इसको इजी से एकदम अच्छा टाइट करके ले लिया और यहीं पे ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आपको मतलब पूरा नॉलेज दे दिया हूँ इसका, एक्सीलेटर केबल कैसे बदली करना है। तो ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक करना, क्योंकि आप लोग को एक छोटा छोटा बात सब बता दिया हूँ। अभी आगे की तरफ चलते हैं और एक्सीलेटर जो मूठ है उसको घुमा के दिखाता हूँ आपको किस तरह से स्थिर है। ये देखो दोस्तों अभी आगे की तरफ आ चुके हैं और ये जो मैंने फिट किया है एकदम स्मूथ, देखो एकदम पानी के माफी हो गया है केबल डालने के बाद। देखो फटाफट एकदम वर्किंग कर रहा है। तो इस तरह से आपको भी काम करके लेना है। एक्सीलेटर जो केबल है आपका जाम रहेगा,
तो आपको ऐसे इस तरह से मतलब डाल के लेना है कभी भी आप केबल डाले तो, क्योंकि छोटा छोटा जो बात था ना वो सब आपको बता दिया। और अभी ये तो ऊपर का कवर लगा के लेना है, तो मैं ये कवर फिट कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, ये देखो अच्छे से अब एकदम मैं कवर फिट कर दिया हूँ। यहाँ पे 3 स्क्रू रहता है, टाइट करके लेना है आपको। और अभी मैंने सिर्फ 2 स्क्रू टाइट किया और एक बाकी है, ये मैं बाद में टाइट कर लूँगा ये वाला, क्योंकि ये स्क्रू इसका है नहीं, गलती से दूसरा स्क्रू डाल दिया था, तो मैं इसको मतलब बाद में टाइट कर लूँगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्त लोग को अच्छे से शेयर करना जिससे उनको भी पता चले एक्सीलेटर आउटर कैसे बदली करना है, उनको भी मालूम पड़े जब कभी उनका एक्सीलेटर आउटर टूट गया तो कैसे चेंज करना है, उनको भी पता रहना चाहिए आपको दोस्त को। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक कर देना। गुड बाय दोस्तों, यहीं तक ये वीडियो था।